चुनावी नतीजों के बाद नौवें बैठकों का दौर शुरू। विधानसभा 2024 के चुनावी नतीजे के बाद जिला प्रशासन नुहू जिले के विकास को गति देने और उसमें प्रदर्शित लाने के लिए जुट गया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने सोमवार को लघु सचिवालय नुहू स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग सहित कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता हट चुकी है। हमारे जिले में जो स्कीमें चल रही थी और कुछ नई शुरू करनी है, उनका रिव्यू लेना है। उपायुक्त ने कहा कि पिछले कुछ महीने में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल भराव हो गया था, वह एक बड़ी समस्या है। आगे दीपावली सहित त्योहारी सीजन है, उसको लेकर अलग अलग दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि नुहू शहर के साथ साथ इलाके के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कुल मिलाकर जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नुहू जिले में विकास कार्यों में तेजी आएगी और इसके साथ साथ पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। बैठक के दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा पूरे सख्त लहजे में दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों को दूटूक कहा कि जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें तेजी लाई जानी चाहिए और आमजन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जिले में नहीं होने दी जाएगी। आप देख रहे हैं नुहू में वास लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आचार संहिता हट चुकी है और हमारे ज़िले के अंदर जो बहुत सारी स्कीमें जो पहले से चल रही थी और जो अभी नहीं चलानी है और कुछ का हमने रिव्यू लेना है, उनका स्टेटस के बारे में एक तो जानकारी लेना, दूसरा हाल ही के दिनों में कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश के कारण से पानी इकट्ठा हो गया था, उनके बारे में एक रिव्यू लेना, तीसरा जो है आने वाले समय में दिवाली है और भी भाई दूज के त्यौहार है तो उनमें क्या प्रिपरेशन है उसके ऊपर ये एक रिव्यू मीटिंग लेने, ताकि शहर के वासियों को और ज़िले के वासियों को कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय।